गरुड़ पुराण के अनुसार इंसान को अपनी मृत्यु से पहले के कुछ पलों में अपनी पूरी जिंदगी का एक फ्लैशबैक दिखता है और उस वक्त उसे आभास हो जाता है कि उसकी मृत्यु करीब है। लेकिन इसके अलावा यमराज हमें हमारी पूरी जिंदगी में चार चिट्ठियां भेजते हैं जो हमारी मौत के करीब आने का संकेत होती हैं। पुराने समय में धरती पर एक अमृत नाम का आदमी रहता था। उसे मृत्यु से बहुत डर लगता था, इसलिए इस बात के उपाय के लिए वो मृत्यु के देवता यमराज की आराधना करने लगा। कई सालों बाद यमराज ने खुश होकर अमृत को दर्शन दिए और उनसे मनचाहा वर मांगने को कहा। तब अमृत ने कहा कि जो इस संसार में आया है उसकी मृत्यु निश्चित होती है, पर मृत्यु के डर को कम करने के लिए यमराज उसे पहले से ही कोई चिट्ठी भेज दें ताकि वो अपने परिवार के लिए सारे सभी सुख सुविधाओं की व्यवस्था कर चैन से मर सके। यमराज ने उसकी बात मान ली और उसे सचेत किया कि जैसे ही उसे संकेत मिले वो तैयारी शुरू कर दे। कई साल बीत गए, अमृत अपने परिवार के साथ चैन से बिना डरे जीवन जी रहा था। उसके बाल सफेद होने लगे थे, लेकिन अभी उसे मृत्यु का कोई डर नहीं था क्योंकि अभी तक यमराज ने उसे एक भी चिट्ठी नहीं भेजी थी। अब अमृत के दांत भी गिरना शुरू हो गए थे। इसी तरह धीरे धीरे उसकी आंखें कमजोर हो गई, लेकिन उसे मौत की कोई परवाह नहीं थी क्योंकि यमराज ने एक भी चिट्ठी नहीं भेजी थी। कुछ और साल बीत गए और उसे दिल का दौरा पड़ गया। उसका शरीर पैरालाइज हो गया। सबने कहा कि उसकी हालत बहुत नाजुक है, लेकिन वो अभी भी चिंता मुक्त था क्योंकि यमराज की कोई चिट्ठी नहीं आई थी। अब उसका अंत समय करीब आ गया था। एक दिन यमराज उसे लेने आ गए। उन्हें देखकर अमृत डर से कांपने लगा। यमराज ने उसे साथ चलने को कहा। तब अमृत ने गुस्से में आकर यमराज पर अपना किया वादा तोड़ने का आरोप लगा दिया और कहा कि यमराज ने उसके साथ धोखा किया है। यमराज ने हंसकर जवाब दिया कि उन्होंने अमृत को एक नहीं बल्कि चार चिट्ठियां भेजी थी, पर वो धर्म से इतना दूर जा चुका था कि वो उन्हें समझ ही नहीं पाया। अमृत हैरान हो गया और यमराज से बोला कि उसे यमराज की कोई चिट्ठी नहीं मिली। तब यमराज ने कहा कि उन्होंने ये चिट्ठी कागज पर नहीं बल्कि अमृत के खुद के शरीर पर भेजी थी, लेकिन वो उन्हें नजरअंदाज करता रहा। कई साल पहले जब उसके बाल सफेद हुए वो पहला संकेत था। उसके बाद उसके दांत गिरने लगे जो कि दूसरा संकेत था। तीसरे संकेत में उसकी आंखों की रोशनी कम होने लगी और चौथे और आखिरी संकेत में उसके शरीर ने काम करना बंद कर दिया, लेकिन वो फिर भी समझ नहीं पाया और अब उसके अंत को कोई नहीं रोक सकता था। और इतना कहकर यमराज ने अमृत के प्राण हर लिए। ऐसा कहते हैं कि जब मृत्यु का डर खत्म हो जाता है तो इंसान भगवान से दूर होने लगता है, और जब वो यमराज की भेजी हुई इन चार चिट्ठियों को नजरअंदाज करता रहता है तो वो यमराज के वश में आ जाता है।